हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ स्वाति एकराम। आज मैं अपने फिफ्थ मंथ के रूटीन चेकअप के लिए गई और मुझे बहुत डांट पड़ी, लिटरली मुझे बहुत डांट पड़ी। और उसका एक रीज़न था मेरा पति। उसने मेरी शिकायत लगा दी कि मैं दूध नहीं पीती हूँ, खाना ढंग से नहीं खाती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे काफ़ी डांट लगाई और मुझे एक इशू भी था, मुझे बैक में बहुत पेन हो रहा था। तो उसने बोला एक्सरसाइज करने को, जिसके मेरे पति ने भी बोल दिया कि वो एक्सरसाइज भी नहीं करती, अपने घर का थोड़ी बहुत काम कर लेती है बट एक्सरसाइज नहीं करती, दूध नहीं पीती। दूध पीने से मुझे उल्टियाँ होती थी, मैं जैसे दूध मुँह में रखती थी मुझे उसकी स्मेल बहुत गंदी लगती थी और मुझे उल्टियाँ हो जाती थी। डॉक्टर ने बोला था कि दूध नहीं तो दही छाछ आप किसी भी फॉर्म में लो। मैं दही छाछ पीती थी बट दूध नहीं पी पाती थी। बट अब डॉक्टर ने बोला कि अब तो चौथे और तीसरे महीने तक तो मैंने बोल दिया कि चलो जो है अब जो पीना है, लेकिन अब तो पीना है, दूध भी पीना है। बाद में तुम्हें आफ्टर डिलीवरी अगर कोई पेन होगा तो तुम्हें ही बेयर करना है, कोई तुम्हारे लिए बेयर करने के लिए नहीं आएगा। सब बोलेंगे डेली तो पेन ही होता है, कितनी बार लोग तो कोई सेवा करने के लिए, और ये ना किसी के पास इतना टाइम है कि तुम्हारी सेवा करने के लिए लगे रहेगा, ना बच्चे के टाइम पर है ना पति के टाइम के पास टाइम है। अधिक से अधिक वो डॉक्टर के पास दिखा देगा, डॉक्टर को दिखा देगा, बट जो पेन है तुम्हें ही बेयर करना है। मुझे सच्ची में बहुत डांट पड़ी है। तो जैसे ये इशू है, आपको भी डॉक्टर की डांट से अगर बचना है और पति की डांट से भी, मेरे को पति ने भी बहुत डांटा है, मेरे हस्बैंड ने डांटा है दूध पियो दूध पियो, बट पड़ गई डांट। तो जिसको अपनी डांट नहीं खानी है डॉक्टर से तो वो दूध पिए। मैंने दूध पीना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं दूध की कंपनी भी चेंज कर दी थी, तो पैकेट वाले दूध ही मिलते हैं, तो वो थोड़ी टेस्ट अच्छी लग रही है, मैं पी ले रही हूँ। ऐसा नहीं है हॉर्लिक्स वगैरह, अब बोलते हैं प्रोटीन पाउडर, किस मेरे को बताना तो कमेंट करके किसके किसको प्रोटीन पाउडर अच्छा लगता है। मुझे उसकी स्मेल गंदी लगती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। बट अभी मैंने वो भी वीक में दो तीन बार पीना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे प्रोटीन पाउडर से भी प्रॉब्लम था। बट मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, तो थोड़े दिन तो मैं प्रोटीन पाउडर की स्मेल बेयर करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी अभी वॉमिट का प्रॉब्लम कम हुआ है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। कभी कभी मुझे नौसिया हो जाती है बट अभी कम है। तो यही है, मुझे डांट पड़ी है और मेरे पति बहुत खुश हुए हैं मुझे डांट पड़ी है, तो कम से कम अब तो सुधरेगी। और सच्ची में मैं सुधर गई हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे समझाया गया और वो समझ सही थी। और इसलिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, को पेन होता है, तो नाक बंद करके कुछ भी करके आप पी लो भाई, दूध पी लो, खाना खा लो, जो भी करना है। वॉमिट ही होगा, 90% वॉमिट होगा, 10% तो बॉडी में जाएगा ही। पहले सोच लोगे कि वॉमिट होगा मैं नहीं खा पाऊँगी, जो मैं सोचती थी, सीरियसली मैं सोचती थी कि जो भी खाती हूँ जो भी पीती हूँ निकल ही जाता है, उससे अच्छा मत खाओ, क्योंकि वॉमिट करने में हमें पता है कि हमें कितना प्रेशर लगता है। तो फिर भी सोचा, उसकी डांट का थोड़ा तो असर मेरे पे हुआ है, देखो कितने दिन तक असर रहता है। बट अगर आपको सही में अगर डांट नहीं खानी है तो दूध पियो, अच्छे से खाओ पियो, जो भी खाना है, और खुश रहो, हैप्पी रहो। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में।